चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 42 है, प्रदीप यादव से, जो कि राजस्थान से है और प्रदीप ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है। तो प्रदीप, सबसे पहले तो 42 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रदीप, आपको 42 रैंक अचीव हुई है आपने, और आपने सबसे खास बात यह है कि ये रैंक फाइनल ईयर के साथ रहते हुए अचीव की है। तो मैं जी चाहूंगा सर कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है इंटायर, वो आप डिस्क्राइब जी, करें, और निमसेट अभी आपके जो 42 रैंक है उसमें कितने मार्क्स आए ये भी बताएं। सर मैंने नवंबर के लगभग ये इसके बारे में पता चला था, निमसेट के बारे में, कि ऐसी कोई एग्जाम होती है जिसके थ्रू एनआईटी में एडमिशन मिलता है। तो मैंने थोड़ा बहुत तैयारी की, फिर मैंने सीयूटी का भी फॉर्म लगाया था, उसमें मेरे ठीक दो है सौ चार मार्क्स थे। ठीक उसके है बाद में सीयूटी के एग्जाम होने के बाद में मैंने निमसेट को पूरी तरह से तैयारी करी। 2-3 महीने में मैंने सिलेबस वगैरह दोबारा किया और आपका वो मैजिकल कोर्स लिया था जिसमें मैंने से टेस्ट सीरीज फॉलो की थी। 30 से 35 टेस्ट थे, वो मैंने अच्छी तरह से दिए थे, सबका एनालिसिस किया था। और जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो आपका अलग से फोल्डर बना हुआ था, उसको मैंने 2 बार किया था आराम से। आपका ठीक पहले है मैंने खुद खुद मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद में मैंने उसका वीडियो सॉल्यूशन किया, और उससे मैंने मुझे एक चीज पता चली कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपके ओके एनालिसिस का सबसे अच्छा पॉइंट ये है सर, आप ये बताते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, और तब पेपर आए या अलग तरह का पेपर आए तो भी कैसे करना है, वो सर ज्यादा बेनिफिट मिला उसका मुझे। तो प्रदीप, क्योंकि आपने टेस्ट सबसे ज्यादा दिए थे, और मेरा ये जी मानना है कि जो बच्चे सबसे ज्यादा टेस्ट देते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जब आप टेस्ट जी देते सर थे तो उसमें आपकी रैंक अप डाउन भी होती थी, पर आपने भी बताया वीडियो सॉल्यूशन भी देखते थे, टेक्निक भी देखते थे। तो टेस्ट पेपर और टेस्ट जी पेपर सर के एनालिसिस का क्या तरीका होता था आपका? सर कुछ टेस्ट तो ऐसे होते थे जिनमें मैंने मैथ्स में 10-15 क्वेश्चन किए, उनमें ओके मेरे एक ठीक भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, फिर मैं डिमोटिवेट होकर बंद कर देता था उसे। है ऐसे भी हुआ 2-3 मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर मैंने आराम से मॉक टेस्ट दिया पूरा। एग्जाम में भी ऐसा हुआ था, जब मैंने मैथ्स स्टार्ट की तो मुझे पेपर इजी लगा, बिल्कुल इजी लगने के बाद भी क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे थे। ठीक मैंने है सोचा अब तो नहीं आने वाली निमसेट में कुछ, कि इतना इजी पेपर होने के बाद में आराम से 600+ कट ऑफ जाएगी और क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे हैं। फिर लास्ट तक जाते जाते 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे मुझसे। तो देखिए, प्रदीप ने, आप लोग जो सुन रहे हो उसने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपने जब मॉक देते थे तो कई बार 10-15 क्वेश्चन बनते थे, डीमोटिवेट भी होते थे, उसके बाद भी ऑल इंडिया 42 रैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा अपने आप को आपने संभाल के रखा। पेपर में भी आपको ये लगा, पर पेपर थोड़ा अलग टाइप का था तो इसलिए कट ऑफ लो जाना ही था। खैर, तो प्रदीप, जब आपने पेपर दे रहे थे एग्जामिनेशन हॉल, उस समय किसी तरह जी का कोई सर प्रेशर फील किया आपने? जी सर मैथ टाइम में हुआ था थोड़ा सा कि ओके निमसेट हाथ से गया, एक साल अच्छा खराब हो गया, इस अटेम्प्ट क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। ठीक है इजी इजी क्वेश्चन था, जैसे वो लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी थी, वो क्वेश्चन भी मैंने 3 या 4 मिनट खराब कर दिए थे उस क्वेश्चन में। वैसे वो ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता था, सही बात है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने के बाद में अपने आप प्रेशर आ जाता, लेकिन फिर और कम किया उसको। फिर रीजनिंग में गया, रीजनिंग में अच्छे 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे मैंने, उसमें से ओके 30 क्वेश्चन राइट थे। ओके और और फिर कंप्यूटर इंग्लिश सेक्शन और में? कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर सेक्शन में मेरे 70 नंबर हैं और ओके इंग्लिश में 17, ओके एक में 70 है एक में 17। मतलब आपने लगभग लगभग हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया। तो मैथ्स में कितने जी सर आपके अटेम्प्ट थे, कितना स्कोर था मैथ्स में? मैथ में सर 330 स्कोर है मेरा 330। अच्छा प्रदीप, ये बताओ, जी। क्योंकि आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, अभी आप अवार्ड सेरेमनी में भी आएंगे, तो जी आप सर अपने जूनियर्स को, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ड्रॉपर्स का क्या मैसेज है, जो फाइनल ईयर में होते हैं उनको फाइनल ईयर के लिए, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई की, अच्छे से टेस्ट पेपर दिए, उनके एनालिसिस किए, उसका नतीजा आज आपकी इतनी अच्छी रैंक है, तो आप अपने जूनियर्स को बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो बच्चे फाइनल ईयर अपेयरिंग है, या कई बार वो सोचते हैं एक बार फाइनल हो जाए उसके बाद तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक तो विश्वास रखो अपने आप पर, सब कुछ हो सकता है। मेरे भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं आते थे, 600 मार्क्स मैक्सिमम थे मॉक टेस्ट में मेरे, पीजी मॉक टेस्ट में 700 चले जाते थे, 300 तक भी आए हुए हैं मेरे मार्क्स, लेकिन एग्जाम में कैसे हैंडल करना पेपर को वो डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है अपना पूरा, और उसके बाद में मॉक टेस्ट देने, साथ ही देने वैसे तो मॉक टेस्ट, धीरे धीरे साथ देते रहो, और हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट आराम से दो। सबसे पहले आपको यही करना है कि सबसे पहले टेक्स्ट सीरीज परचेज करनी है, कोर्स बाद में लेना है, और वैसे भी 12th का आता है पूरा, तो पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो
तो प्रदीप ये बताओ मुझे कि जैसे आपने टेस्ट पेपर के एनालिसिस जो करते थे उसके लिए आप प्रॉपर रजिस्टर वगैरह भी बनाते थे। कई बच्चे जानना चाहते हैं कि टेस्ट पेपर एनालिसिस के लिए हम क्या करें, क्या टेक्निक को फॉलो करें। सर वो सबका अलग अलग टेक्निक होता है, मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए किसी भी ओके, पर आप सब्जेक्ट के। पेपर के एनालिसिस पूरे बाकायदा करते थे। पर जी वही ओके क्वेश्चंस ओके देख लेता था, लैपटॉप था उसमें मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के एक अलग फोल्डर में रख लेता था जिस क्वेश्चन में दिक्कत आती थी, फिर उसको फिर से देख लेता था। तो प्रदीप मैं चाहूंगा कि मैं आपके पेरेंट्स से भी मिलूं, उनको भी बधाई दूं क्योंकि आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की है। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार, सर नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां। प्रदीप ने ऑल इंडिया 42 रैंक अचीव की है, बहुत अच्छी रैंक अचीव की है और फाइनल ईयर के साथ की है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्या बोलना चाहेंगे आप अपने बेटे प्रदीप के लिए कुछ इस रैंक के बाद? किस तरह से पढ़ाई करता था घर पे, क्या उसने माहौल बनाया हुआ था वो आप बताएं मुझे। प्रदीप लाइब्रेरी में जाता था सर। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था। ओके ओके हाँ, और घर पे जगह सेपरेट रूम में अकेला पढ़ता था, कोई डिस्टर्ब नहीं इसके साथ। ओके ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है, इतनी अच्छी रैंक अचीव की। अब आप भोपाल आएंगे अवार्ड सेरेमनी में तो मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा, और अब आपका बेटा ऐसे ही आगे NIT त्रिची में जाके भी नाम रोशन करे और बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले, यही शुभकामनाएं दूंगा बिल्कुल, मैं थैंक आपको। यू सर। जी जी थैंक यू।